आज के डूंगर कॉलेज में आज एनएसयूए से जुड़े छात्रों ने किया जमकर हंगामा। पुलिस और छात्रों में हुई धक्कामुक्की, तो वहीं छात्रों ने 2 घंटे पानी की टंकी पर चढ़कर किया प्रदर्शन। आज सुबह एनएसयूए के जिला अध्यक्ष रामनिवास कोकणा के नेतृत्व में एनएसयूए छात्रों ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर दी। इस दौरान छात्रों ने परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को भी अंदर नहीं घुसने दिया। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन छात्र नहीं माने, जिसके चलते पुलिस और छात्रों में धक्कामुक्की हुई। इसके बाद आक्रोशित छात्र अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए। एनएसयूए जिला अध्यक्ष रामनिवास कोकणा का कहना था कि ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को प्रवेश में 5% छूट देने, बोईत छात्रावास सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लगातार आंदोलनरत है, लेकिन कॉलेज प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे छात्रों में रोष है। आखिरकार 2 घंटे तक हुए इस विरोध प्रदर्शन के बाद कॉलेज प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद छात्र नीचे उतरे।